जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सोयाबीन की कीमतों में तेजी के बाद एकदम से गिरावट बनती नजर आई है। कीमतें 6,800 का स्तर दिखाने के बाद नीचे 6,000 तक भी गई हैं। फिर वहां से अब वर्तमान में 6,400 के लेवल्स पर कारोबार कर रही हैं। मंडियों में सोयाबीन किसानों ने सोयाबीन की बिकवाली की है। विदेशों में तेल तेलन बाजारों में गिरावट आई है, जिससे भारतीय तेल तेलन बाजार में भी गिरावट देखने को मिली है। इसी का ही असर हम सोयाबीन की कीमतों पर पड़ता हुआ देख रहे हैं। सोयाबीन पर बाजार के जानकार मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा का कहना है कि सोयाबीन की कीमतें आने वाले समय में हो सकता है कि नीचे में 6,000 तक भी जाती नजर आए। अगर कीमतें नीचे में 6,000 तक जाती हैं, तो उनके मुताबिक फिर से इन स्तरों पर खरीदारी निकलेगी और कीमतें ऊपर में 6,700 तक जाती दिखाई देंगी। अमित सजेजा के मुताबिक सोयाबीन में अभी एक बड़े दायरे में कारोबार होते दिखाई दे सकता है, जो कि नीचे में 6,000 से लेकर ऊपर में 6,800 तक का रहेगा। हालांकि जब तक बाजार 5600 से 5700 का लेवल होल्ड कर पा रहा है, कीमतों में तेजी देखने को मिलती रहेगी। इस पर अमित सजेजा का कहना है कि सोयाबीन की कीमतों में अभी भी वायदा में 7,000 का लेवल देखने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।